Hello students, today I will discuss the science of 6th class. So in 6th class, chapter 2 exercise करेंगे हम. So exercise देखिए. Fill in the blanks. First question है, our food contains several components known as. हमारे food में बहुत सारे components होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? Known as nutrients. Nutrients. यहाँ क्या fill होगा? Nutrients. आई न्यूट्रिएंट्स. ओके, आवर फूड कंटेन्स सेवरल कंपोनेंट्स नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ओके, सेकेंड वन है डैश एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी. ऐसी कौन सी चीज है, वो चीज मतलब वो वाला न्यूट्रिएंट्स और फैट भी, ये भी न्यूट्रिएंट्स है. तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है और ये न्यूट्रिएंट्स जो दोनों क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते. तो यहां क्या भरा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट. कार्बो हाइड्रेट. ओके, मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब बताया था कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. ओके, अब लिखा फैट्स प्रोवाइड मोर डैश एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. तो फैट क्या करते हैं, फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी. क्या फील होगा यहां पर, एनर्जी. फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में जो फैट होते हैं वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी पढ़ाया था मैंने. फोर्थ वन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. एनीमिया इज कॉज्ड. एनीमिया क्या है, एक डिसीज है, एक रोग है जो फैलता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ. किसके द्वारा फैलता है, मैं बताया था एनीमिया एक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है, जो आयरन की कमी से फैलता है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन. आई ओ एन, आयरन. ठीक है, आयरन की कमी से, मतलब लेक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी, आयरन भरेंगे, आयरन की कमी होती तो कौन सा डिसीज होता है, एनीमिया होता है. नेक्स्ट फिफ्थ वन है द डिफिशियंसी ऑफ. कौन सी डिफिशियंसी causes a disease known as rickets. ऐसी कौन सी डिसीज है, ऐसी कौन सी डिफिशियंसी है, मतलब किसकी कमी है जिसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है. रिकेट्स क्या, रिकेट्स एक रोग होता है और ये किसकी कमी से होता है, ये आपको यहां फिल करना है. और रिकेट्स होता है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग. क्या बोलते हैं, सूखा रोग. ठीक है, तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. क्या बनेंगे यहां पर, विटामिन डी. विटामिन डी, ठीक है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज अ डिसीज नॉन एज रिकेट्स. विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है. नेक्स्ट देखिए, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से कॉजेज अ डिसीज, एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन एज, या वो डिसीज जानी जाती है किसके नाम से, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है. एक टेबल मैंने आपको बनवाई थी, उसमें मैंने सारे बताए हैं, उसी से यहां यहां फिल करेंगे. विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट एंड लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज कॉज्ड. ये क्या है जो कॉज करता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन इन अवर बॉडी. विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग फैलता है, ठीक है, विटामिन डी मतलब क्या, सॉरी विटामिन बी वन की कमी से क्या कॉज होता है, यहां पर लिखेंगे जो कॉज होता है, कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन. विटामिन बी वन की कमी से क्या कॉज होता है, विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी. बेरी बेरी. ओके, यहां पर क्या आएगा, बेरी बेरी एक डिसीज होती है जो किसकी कमी से कॉज होती है, विटामिन बी वन की कमी से. ओके, सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू कंप्लीट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके, एंड फॉर टुडे, थैंक यू.